सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया वीडियो अपडेट करने में, यानी कि ईद हुई उसके बाद में शादी थी, सो शूट नहीं कर सका मैं, तो बहुत लेट हो गया। तो फाइनली आज शूट हो रहा और बहुत बढ़िया शूट होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में डाला था टॉप 5 चेस्ट वर्कआउट की, तो बहुत सारे लोग कमेंट करे कि भाई यूज़ करा मैं, बहुत अच्छी वर्कआउट थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें आप एंड नेक्स्ट वीडियो के कब डाल रहे आप, ऐसा ऐसा बहुत कमेंट्स थे। तो फाइनली आज शूट करने वाला हूँ, और आज शूट करने वाला हूँ मैं बैक वर्कआउट एंड कल मॉर्निंग शूट करूँगा मैं लेग्स वर्कआउट। लेग्स तो शो नहीं करूँगा, बस लेग वर्कआउट करूँगा कल मैं। एंड टुडे आज के लिए, अभी के लिए बैक वर्कआउट शूट करने वाला हूँ, टॉप 6 बैक वर्कआउट्स फॉर वाइड बैक, बिगर बैक। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, हर बार की तरह इस बार भी, एंड चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं वार्म अप करा, लेकिन वार्म अप करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं वर्कआउट करने वाला नहीं हूँ, वर्कआउट बतलाने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते कि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस में वर्कआउट करता हूँ नहीं, सिर्फ वर्कआउट बतलाता हूँ। सो फर्स्ट वेरिएशन बैक का अपने को मानना है, फ्रंट पुल डाउन मानना है। एंड गाइस, बहुत लोग क्या करते बोले तो फ्रंट बोलते अपन, फ्रंट पुल डाउन मारो बोले तो जाते फ्रंट भी मारते बैक, भाई दोनों मारना ज़रूरी है, दोनों मार लेते एक साथ, वो एक सेट ऐसा करते। तो अभी खाली कुछ भी नहीं, फ्रंट मारना है। एंड ग्रिप देखो आप, ये देखो लोकेश भाई क्लोजली हो, ये क्लोजअप, ग्रिप ऐसा करना नहीं है, ऐसा वाइट पकड़ना नहीं है, ये नॉर्मल ग्रिप लियो आप, ये ले लेके पहले सेट कर दो सही से, वेट चेक नहीं मार तुम भाई ज़्यादा बेटा, मैं नहीं है आदत। सो ग्रिप ये ले लिए बाद में। नेक्स्ट चीज़ लोग जो करते, सबसे बड़ी बिगिनर्स की गलती कि ये लेते ऐसा मारते इसको, ये गलत है, फॉर्म सही नहीं है। सो सही फॉर्म बोले तो आप ऐसा नहीं होता, ये भी गलत ही होता, सही फॉर्म बोले तो आप नॉर्मल रहे, बॉडी आपकी यहाँ रखे, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है आपको, सीधा बैठना है एंड यहाँ लेना है इसको, ये बहुत ध्यान में रखो आप सब, ये लो कि ऐसा पूरा मत जाओ, बॉडी को अप ही रखो यहाँ पर एंड ये लियो ग्रिप, सही लेकर सही मारो, और ऐसा सामने मत लो, एल्बोस को सही रखो, एकदम पूरा बॉडी लेवल आपका सही रहना, रिस्ट के मूवमेंट्स नको करो। सो इसके लगेंगे अपन चार सेट, यानी कि रेप्स आपके हिसाब से 15, 12, 10, 8, वेट अच्छा ऐड रखो, बहुत अच्छा आपको मसल पंप देता है, इन्हें बैक में वाइट करता बैक को आपके। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं, सेकेंड वर्कआउट। सो गाइस, सेकेंड वर्कआउट करेंगे अपन मशीन पर, डबल रोइंग करेंगे, यानी कि पहले तो सबसे फर्स्ट थिंग आप लोग सीट एडजस्टमेंट सही रहना, यानी कि अब ये लेवल से मारूंगा इसे, वेट ऐड नहीं करा मैं, आप लोग को वेट ऐड करना है। ये देखो आप, सीट एडजस्टमेंट आपका ये बहुत नीचे हो गई, इसकी वजह से ये फॉर्म गलत हुआ था आपका, एकदम ट्रैप पे ही हुआ था ये। सो पहले आप फर्स्ट सीट को सही एडजस्ट करो, उसके बाद में ये डबल ग्रिप एंड ये सब अलग अलग ग्रिप्स आते। सो अभी के लिए अपने को ये ग्रिप लेना है, ये ग्रिप लेकर यहाँ पर देन पुल, कम ऑन, सो ये वर्कआउट से टोटल आपका बैक, कंप्लीट बैक पे अच्छा फोकस करता है इन्हें, कंप्लीट मसल्स को अच्छा कवर करता है। सो इससे भी बहुत अमेजिंग वर्कआउट है, इसके भी आप लोग 4 सेट करो, अच्छा अपने रेप्स को रखो एंड वेट अच्छा ऐड करो, 10, 20, 30, 40 हिसाब से करो, ऐसा नहीं कि वेट हैवी कर लेके दो रेप मारे छोड़ दिए, कंप्लीट रेप नहीं मारे, हाफ हाफ रेप मारे। एंड इसके अंदर मैं नहीं दिखाया आपके मिस्टेक्स जो रहते हैं बिगिनर्स के, ये लेते हैं ऐसा मारते इसको, यानी कि एल्बोज जो है आपके, ये ग्रिप को ऐसा लेकर ऐसा यूं करते हैं ऐसा। सो ये मत करिए आप लोग, ऐसा थोड़ा एल्बो को उठा कर रखिए आपके, एकदम यूं नहीं, ऐसा रखिए,
साइड में, देन ये। सो आपका ये बैक सही तरीके से पुल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सो नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे अपन बेंड ओवर रोस, यानी कि मेरा फेवरेट, जैसा कि मैं काफ़ी टाइम से बोलता हूँ कि बेंड ओवर रोस मेरा फेवरेट है। ये ग्रिप क्लोज रखकर बारबल पर बेंड ओवर रोस मारेंगे, मैं बताता हूँ आइए। सो थर्ड वेरिएशन करेंगे आप लोग कि बारबल बेंड ओवर रोस, एंड ये ग्रिप रिवर्स हो जाती एंड ये फ्रंट ग्रिप। सो अभी के लिए अपन लोग मार रहे हैं फ्रंट, एंड इतना वाइड नहीं लेना है, यहाँ से लियो। रिसेंटली क्या हुआ कि मैं लिफ्ट दे रहा था, सो एक ग्रिप यहाँ पर, एक ग्रिप यहाँ। सो ये टेढ़े ग्रिप्स अवॉइड करो, सही चेक करो पहले, ग्रिप सही लो, उसके बाद में कम ऑन ये। अब सो फर्स्ट आप लोग ये देखो यहाँ से कि यहाँ पर हिप कन से डाउन करना है बॉडी को। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा सामने डाउन कर देते, इंजरी बैक पे, लोअर बैक पे बहुत पेन होता है इससे। सो यहाँ से बैक साइड से हिप को डाउन करो आपके, एंड ये ऐसा यहाँ से ऐसा निकलना है इसको, ये नीचे नीचे छोड़ो इसको, नीचे की तरफ, ये नीचे से ऐसा, यहाँ जो बेल्ट होता है आपका या पेट की तरफ, यहाँ पर वो अप करो इसे, ये कम ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिप सही लेना है, सेकेंड थिंग बॉडी आपको यहाँ से डाउन करना है, ऐसा सामने की तरफ नहीं, यहाँ से डाउन कर चेस्ट फेसिंग सामने रहना, टॉवर्ड्स सामने की तरफ फेस करना है, उसके बाद में ये ग्रिप कम ऑन अप। सो थर्ड वेरिएशन ये करेंगे, तीन सेट करना है इसमें, चार सेट नहीं, तीन सेट करेंगे, आपके हिसाब से रेप सेट करो। सो तीन वर्कआउट ये हो गए अपने। अब नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे अपन क्लोज ग्रिप लैट्स पुल डाउन। सो चलेंगे और फोर्थ वेरिएशन करेंगे। सो फोर्थ वेरिएशन करेंगे अपन क्लोज ग्रिप लैट्स पुल डाउन। सो ज़्यादा मालूम तो नहीं मेरे को, उतनी नॉलेज मेरे को भी नहीं है, लेकिन लोअर बैक पे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे। सो वो नहीं बोल रहा हूँ कि वर्कआउट बराबर बोल रहा हूँ मैं, वर्कआउट से लोअर बैक पर आता है। लोअर बैक जो मसल को बोलते हैं अपन, वो मसल का नाम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। सो क्लोज ग्रिप लैट्स पुल डाउन अपना फोर्थ वेरिएशन, इसके अंदर भी सेम थिंग, ग्रिप लो आप, वेट ऐड करो, देन ऐसा पूरा नीचे मत लेट जाओ, या नहीं तो ये लेकर ऐसा, या नहीं तो यहाँ से यूं, ऐसा मत करो, ये ग्रिप यहाँ से डाउन चेस्ट की तरफ आपके, फिर स्लोली इसको रिलीज करो, कम ऑन। यूजुअली जब भी बैक वर्कआउट करता हूँ मैं, ये वर्कआउट या ये वर्कआउट, बेंड ओवर रोस या नहीं तो क्लोज ग्रिप लैट्स पुल डाउन, ये कैसा भी होती है वर्कआउट में मेरी, क्योंकि इससे बैक पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लोअर बैक पर अच्छा मसल आता है इससे, जब आप पोज मारते तो सही दिखता है मसल। तो फोर्थ वेरिएशन ये करेंगे, फिफ्थ वेरिएशन अपन सीटेड रोस करेंगे, उसके बाद सिक्स्थ वेरिएशन रैक पुल्स करेंगे पूरा लोअर बैक के लिए, यहाँ पर इसके लिए। सो अभी करेंगे अपन फिफ्थ वेरिएशन अपना सीटेड रोइंग। सो ये ग्रिप आपके पास तो कई सारे जिमों में ऐसा रहेगा, थोड़े जिम्स में ऐसा सेपरेट मशीन रहेगी इसकी। सो ये ग्रिप लगाकर अगेन सेम सीटेड रोइंग में, रिसेंटली मेरा खुद का अपना दोस्त मार रहा था कि ये ग्रिप लेकर वो ऐसा, और फुल वेट, फुल ऑन हेवी ये रखकर ऐसा मार रहा था। सो ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, करेक्ट फॉर्म आपको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिप सही लो आप, थोड़ा पीछे हट जाओ, एंड ऐसा पीछे मत जाओ, स्ट्रेट रहो आप, ये कम ऑन पुल रिलीज। आपका पूरा मसल एक्टिव होना। सो ये ग्रिप ऐसा मत जो, या ऐसा मत, ऐसा भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन वो अलग वेरिएशन होता है। ये तो पूरा ही रॉन्ग हो गया, स्ट्रेट बैठो आप लोग, या थोड़ा इंक्लाइन हो सकते हैं आप, उसके बाद में ये ग्रिप क्लोज, ऐसा नहीं,
ये ग्रिप क्लोज, एंड इसके अंदर भी जो अपन क्लोज ग्रिप पकड़े वैसे में स्ट्रेट रॉड आता है या दूसरा बार आता है अपने को वाइट बार। सो अपन तो अभी क्लोज ग्रिप पर मारे हैं, एंड ये मूवमेंट रखना है और चार सेट लगाने हैं, तीन नहीं चार सेट लगाने हैं इसके। रीसेंट वेरिएशन के तीन लगाना था, इसके चार लगाने हैं सीट डेड रोइंग। सो लास्ट है अपना रैक पुल्स, उसके अंदर भी चार वेरिएशन करेंगे। रैक पुल्स क्या है बोले तो आपका लोअर बैक, आपको सस्टेनेबिलिटी जो होती है आपकी, यानी कि आपको स्ट्रेंथ हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है लोअर बैक का। पेन होता भाई लेकिन बहुत अच्छा रहता, मसल अच्छा रहा, आपका बोन डेंसिटी अच्छी हो जाती उससे, और लिफ्टिंग में बहुत ईजी रहता, डेडलिफ्ट में आपको बहुत मदद होती रैक पुल्स। और अपने का नहीं है हाइपर एक्सटेंशन, सो मैं इसलिए वो नहीं बतला रहा हूँ। अभी तो रैक पुल्स दिखाऊंगा मैं, जो यूजुअली ये नॉर्मल ग्रिप में होता है। सो चलते करते हैं वर्कआउट। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना भूल गया आप लोगों को कि बैक वर्कआउट कर रहे हैं आप लोग, सो कौन सी भी वर्कआउट करो भाई, सपोर्ट रहना ज़रूरी है। जैसे कि रिस्ट बैंड यूज़ करते अपन, और बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्डोमेन आपका ये जो अपेंडिक्स का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप अगर ब्लोट हो गया, ब्लोटिंग रही आपके पेट में, तो वेट उठा नहीं सकते आप, स्ट्रेंथ नहीं रही, सांस फूलती ज़्यादा आपकी। सो बेल्ट यूज़ करो आप लोग जब भी हैवी जा रहे हैं, और जिम में भी ऐसा हो रहा था तो मैं लाके दिया बेल्ट, गिफ्ट करा, बाद में बोलता हूँ उसके बारे में। सो अभी अपने को करना है लास्ट रैक पुल्स, और अभी तो मैं वेट ऐड नहीं रखा, उसके लिए बेल्ट भी नहीं पहना मैं, बस आपको बतला रहा हूँ। रैक पुल से आपका लोअर मसल बहुत अच्छा ट्रेन होता है ये। सो अभी उबैद पठान खान मारने जा रहा है रैक पुल्स, और ग्रिप ये लेना है, और पीठ को पूरा ऐसा करके ऐसा उठाना रहता, ऐसा नहीं करना, ऐसा रख के जैसा मैं डेडलिफ्ट में नहीं बतलाया शायद। सो डेडलिफ्ट चैलेंज के लिए भी बोल रहे थे कर तू, वो भी कोई मिले नहीं अभी चैलेंज करने भाई को, क्योंकि भाई की होता कोई भी नहीं उठाते, उससे ज़्यादा ही उठाते। सो ये ग्रिप फर्स्ट, बैक स्ट्रेट, ऐसा कर्ल मत रखो इसको, मुड़े हुआ नको रखो, स्ट्रेट रखो, चेस्ट फॉरवर्ड, एंड ये बस पूरा बैक पर फोकस रहना आपका, एंड पूरा फॉर्मेट से ही ये। इसके अंदर भी अब आप लोग हिप कन से ये देखो, आप लोग साइड से हिप से ऐसा डाउन जा रहा हूँ मैं, फिर फ्रंट में बैक फुट नीचे बिठा रहा हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं थोड़े ऐसा जाते हैं। सो ये फॉर्म गलत हो गया, इससे इंजरी होती है और दूसरे मसल्स एक्टिव हो जा रहे और फोकस नहीं रह रहा सिंगल मसल आपका। सो जैसे मैं बोला कि बैक स्ट्रेट रखना हिप डाउन से, ये एकदम फोकस्ड, ऐसा पूरा झुक जाना नहीं, सिर्फ ये एक्टिव करो इसको, ये वर्कआउट मस्ट ऐड करो आपकी वर्कआउट, यानी कि जब भी आप बैक वर्कआउट करें उसके अंदर ये रूटीन, ये वेरिएशन ऐड होना ही होना, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते, मिस कर देते, लोअर बैक को ट्रेन नहीं करते। मैं भी वैसे करता था, उसकी वजह से मेरा लोअर बैक भी उतना सही नहीं है। सो आप लोग को बोल रहा हूँ फोकस करो, लेग्स पर फोकस करो, स्टार्टिंग से मैं करा लेकिन उतना नहीं करा था, इंजरी होने की वजह से फिर बिल्कुल ही हो गया, लेकिन अब चल रहा और बहुत जल्दी दिखाऊंगा भी मैं। सो भाई अभी यहाँ देखो, ये वर्कआउट मस्ट ऐड करना है। छः वेरिएशन हो गए, फर्स्ट वेरिएशन करें लैट्स पुल डाउन फ्रंट, सेकेंड अपन मशीन पर डबल रोइंग करें, थर्ड बेंड ओवर रोस्ट करें, फोर्थ क्लोज ग्रिप लैट्स पुल डाउन करें, देन फिफ्थ अपन ऐसो सीटेड रोइंग करें, लास्ट में रैक पुल्स करें। सो पूरी बैक वर्कआउट सही कर लिए अपन। इतना इन्फॉर्मेटिव में मैं ऐसा ये करना, यहाँ से ये होता वो होता ये वो कुछ भी नहीं बताया, ऐसा सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। आप लोग अपनी वर्कआउट में ऐड करो, वर्कआउट करके देखो समझ नहीं आता, और सीधा निकला सीधा दिमाग में बिठाओ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और कैसी लगी कमेंट करना ज़रूरी है, जैसा रिसेंट में कर रहे हैं आप लोग कमेंट करो। और नेक्स्ट शूट करने वाला हूँ मैं, गेस करो किसके साथ, सो वो भी कमेंट मालूम ही नहीं होंगे आप लोगों को, तो कैसा भी ऑल ओवर इंडिया से देखते लोग, हैदराबाद के रहे तो फिर भी कमेंट कर सकते। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अभी एक चीज़ बोलना भूल गया मैं भाई, गरीब के चैनल पर आ रहे व्यूज आ रहे सो बारे, सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आप लोग को अपडेट मिल जाएगा, कैसा भी इंतज़ार में तो रह रहे लेकिन अपडेट मिल जाता। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।